पाक फौज में आला अहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका। इस सिलसिले में कोई डेडलॉक नहीं, तमाम तरह इन तकाजों के मुताबिक तकमील होगी। हतमी फैसला इतिहादी रहनुमाओं और अस्करी क्यादत को एतमाद में लेकर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का आर्मी चीफ के ख़ानदान से मुतालिक गैर कानूनी और गैर मुसद्दिका टैक्स मालूमात लीक करने का सख्त नोटिस। FBR के डाटा तक रसाई और खुफिया मालूमात अफशा करना कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मामले खुसूसी तारिक महमूद पाशा को इंक्वायरी का हुक्म। जिम्मेदारों का तायुन करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान और इनकी जमात मुल्क में इंतशार और नफरत की सियासत को फरोग दे रही है। किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है, फराह गोगी दुबई से वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तार। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविजन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद एक ताकतवर मालूमाती और तफरीही जरिए को खराज तहसीन पेश करना है। टीवी के जरिए लोग दुनिया भर में रूनुमा होने वाले वाकयात से बरवक्त आगाही हासिल करते हैं। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में इंग्लैंड और ईरान का मुकाबला शाम 6 बजे। ग्रुप ए से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। न्यूज़ स्ट्रेट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके, तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापस आएंगे, साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। न्यूज़ शो का बाकायदा करते हैं आगाज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के उस बयान से जिसमें वो कहते हैं कि पाक फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका। इस सिलसिले में कोई डेडलॉक नहीं, समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हतमी फैसला इतिहादी रहनुमाओं और अस्करी क्यादत को एतमाद में लेकर किया जाएगा। पाक फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका है, इस सिलसिले में कोई डेडलॉक नहीं। उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की आपके साथ शेयर करते हैं। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस उतरी होगी या पूछा जाएगा अफवाज की जो जिशत है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, सब देंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियस आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इसमें चल रहा है वो उसकी तस्वीर कर लें। जी सर, समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी नहीं आई। अगले 1-2 रोज़ में जो ना मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट। जी सर, तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है
और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम परसों और कब तक कंप्लीट होगा सर? 25 तक जो है। 25 और यहाँ आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़ानदान के अफराद से मुतालिक गैर कानूनी और गैर मुसद्दका टैक्स मालूमात को लीक करने का सख्ती से नोटिस लिया है। ये टैक्स कवानीन से मुतालिक खुफिया मालूमात जाहिर करने की खुला खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मामले खुसूसी तारिक महमूद पाशा को इंक्वायरी को हुक्म दे दिया है कि वो मामले की तहकीकात करें कि किस तरह FBR के डेटा तक रसाई मिली और टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों का तायुन करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर वजारती इजलास में भारतीय क़यादत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस हवाले से कहा है कि भारत कल अदम दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत में पाकिस्तान पर मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के बार बार झूठे इल्ज़ाम लगाकर दुनिया को गुमराह करता रहा है। भारत की खोखली बयानबाजी पाकिस्तान के कामयाब इंसदार दहशतगर्दी के इकदाम के सामने नाकाम हो गई है। तर्जुमान ने बयान में कहा कि FATF के आला तरीन बैन अल-अक़वामी इदारे की जानिब से पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम को तस्लीम किया गया है, जबकि हमारे मजबूत और काबिल एतमाद इकदाम और FATF एक्शन प्लान्स के तसल्ली बख्श अमल दरामद ने अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाबी हासिल की। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान ने एक जामे डोजियर जारी किया था जिसमें पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में भारत के मुलव्वस होने के सबूत फ्राहम किए गए थे और सजा याफ्ता हाजिर सर्विस भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव तकरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का नाकाबले तर्दीद सबूत है। और माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भारत में एक और प्रोपेगेंडा वजारती इजलास और वहाँ पर आने वाली स्टेटमेंट, पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ से भारत अपनी नज़रें हटाना चाहता है, दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो FATF में कामयाबी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना फिर पूरी दुनिया में, और कल भी पाकिस्तान को अगर हम आलमी सतह पर कहें तो पाकिस्तान के एक ऐसे मौकिफ की कामयाबी है तस्लीम किया गया है COP 27 में, और ऐसे में भारत की जानिब से इतनी नेगेटिविटी, नो फाइनेंस फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर के नाम से एक वजारती इजलास और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, जबकि अपने सबूत उसके खिलाफ मौजूद हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बुनियादी तौर पे एक क्रिटिकल थेरिस्ट हैं जिन्हें न्यू मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई नैरेटिव आता है तो उस नैरेटिव के बनाने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें और उसके पीछे जो कॉग्निटिव इंटरेस्ट हैं जिसमें सियासी मफादात, माशी मफादात, समाजी मफादात, उनको आप समझें। तो इस वक्त जो भारत का ये जो नैरेटिव बिल्डअप है इसके पीछे उसके कोई सियासी मकासद हैं जहां से वो तवज्जा हटाना चाह रहा है, जिसकी तरफ आपने एग्जैक्टली इशारा दिया, और वो कहां से तवज्जा हटाना चाह रहा है गालिबन वो मैं अभी इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी जल्दी होगा बताना, लेकिन बुनियादी तौर पर भारत जो मुझे नजर आ रहा है कि वो टेंशन क्रिएट करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ इस वक्त। हालांकि जिस जो नैरेटिव उसने अडॉप्ट किया है उसके तो उसकी अपनी टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पर उसने हमेशा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बेतहाशा सबूत हैं। कुलभूषण यादव हमारे पास है वो एक सबूत है, यूनाइटेड नेशन की जैली एजेंसीज की रिपोर्ट है कि 12 सेंटर किस तरह अफगानिस्तान में और उसमें 4,500 दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करना, इस्तेमाल करना, दिस EU डिस इन्फो लैब एक और अदर सबूत है। तो बुनियादी तौर पर जो भारत की जो अगर आप पॉलिसी को देखें ना, इस वक्त एक शिफ्ट नजर आ रही है। IK गुजराल जो डॉक्ट्राइन था जिसमें आपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने थे, मोदी साहब के आने के बाद उसके अंदर एक शिफ्ट नजर आई है, और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं जितने भी भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्हें भारत की बढ़ती हुई जो ये उसकी जो हठधर्मी है उससे काफी खदशात लाहक हैं, और मुझे नजर आता है कि और उससे सिर्फ भारत के पड़ोसियों में नहीं है, खुद भारत के अंदर बड़ी तशवीश है।
और उसका नतीजा ये होगा कि किसी वक्त भारत के नीचे से जमीन खींची जाएगी और उसके अपने लोग खींचेंगे, उसे उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भी बारहा, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, दोसिए भी दे चुका है जिसमें वो बता चुका है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाई में किस तरह भारत बराह रास्त मुलविस रहा। कश्मीर की मिसाल हम देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हकूक की पामाली की जा रही है। माइनॉरिटीज की बात करें, वहां पर सिख बरादरी की बात करें, हिंदुओं की बात करें, मुसलमानों की, खवातीन की, किसानों की, भारत तो किसी जोगा ही नहीं है सर कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर सके। तो आलमी बरादरी कब उसको अकाउंटेबल ठहराएगी, या वो अपने आपको अकाउंटेबल समझता ही नहीं है? जो दूसरी जंग अजीम जब शुरू हुई थी तो उसका जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि अपीजमेंट ऑफ जर्मनी, जो वो इंटरनेशनल लॉ की धजियां उड़ा रहा था और इंटरनेशनल नॉर्म्स की धजियां उड़ा रहा था और एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क पर अटैक कर रहा था, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री और सबके मफादात थे, लिहाजा उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई थी। आज भारत के केस में भी अगर आपके माशी मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, या आप किसी और राइजिंग पावर को कंटेन करना चाहते हैं और उसके हवाले से आप भारत आपको ब्लैकमेल कर रहा है और जो बैन अल-अक़वामी कवानीन और नॉर्म्स की और अमन व सलामती की तजियां उड़ा रहा है, उस तरफ अगर बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी इस वक्त मुतवज्जे नहीं होगी तो मेरे गालिबन काफी देर हो चुकी होगी। और मैं ये अक्सर ये बात कहता होता हूँ, कई फोरम्स पे ये बात कही है कि इस वक्त अगर लिबरलिज्म को कोई खतरा है दुनिया में तो वो भारत से है, विकास जो लिबरल अकदार हैं उन लिबरल अकदार की धजियां इस वक्त भारत जो है वो उड़ा रहा है, चाहे अंदरून भारत जमहूरियत का मामला हो या बाहर का मामला हो, उसमें भारत हमें नजर आता है। और अगर खित्ते में साउथ एशिया में अमन नहीं रहेगा, जो कि इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट खित्ता बन गया है, स्पेशली ये जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसके बाद दुनिया की बैन अल-अक़वामी सियासत का मरकज साउथ एशिया होगा, अगर इधर अमन नहीं है तो आप मुझे बताएं इसका डोमिनो इफेक्ट कहां जाएगा, दुनिया में अमन कैसे आ सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त अगर बैन अल-अक़वामी ताकतें भारत को कंटेन नहीं करेंगी और उसको एक क्लिप नहीं करेंगी और उसके इस तरह के अमल को एक उसको उसकी लिमिट उसकी वजाहत उसकी नहीं की जाएगी, जिस तरह से माजी में कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन को उन्होंने लिमिट करने की एक पॉलिसी बनाई थी, तो मेरा ख्याल है काफी देर हो चुकी होगी और दुनिया की अमन को काफी इससे खतरा लायक होगा। जी डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग और एक हमें दो रैया किस्म की एक नजर आती है सिचुएशन, जब भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, वहां पर कश्मीरी अपना हक मांगते हैं, अपने लिए अलग आजाद वतन मांगते हैं, या सिख खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाते हैं बाकी ममालिक में और यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी ममालिक वहाँ पर, तो वहाँ पर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी खामोश रहती हैं। फिर अगर देखते हैं हम किसी दूसरे मुल्क में किसी कम्युनिटी को कोई मसला होता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी ताकतवर ममालिक जो हैं वो इतिहाद बनाकर वहाँ पर आन पहुँचते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जंग शुरू हो जाती है। तो भारत को, जैसे नाजिया ने आपसे सवाल किया था कि अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया जाता या फिर आँखें क्यों बंद कर ली जाती हैं, बुनियादी तौर पे वो समझा ये जाता है कि भारत एक बड़ी मार्केट है और फिर भारत का जो वर्कर है वो काफी चीप वर्कर है, और तीसरी वजह ये है कि भारत को एज अ पावर यूज करना चाहते हैं अगेंस्ट राइजिंग चाइना, और मेरा ख्याल है इन तीनों मकासद में नाकामी होगी। और उसकी मैंने आपको पहले भी वजह बता दी कि जो आई के गुजराल जो डॉक्ट्राइन था, पहले तो दो डॉक्ट्राइन चल रहे थे, पहले इंदिरा गांधी डॉक्ट्राइन था जिसमें हट धर्मी के साथ अपने नेबर कंट्रीज को मनवाना था, भारत की तसल्लुत को कायम करना था। आई के गुजराल साहब आए, उन्होंने उस डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दीली लेकर आए और 90s में हमने देखा कि उसका कुछ फवायद भी भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी बिल्डअप हुई है। लेकिन मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने एक हिंदू डोमिनेटेड डेमोक्रेसी को जन्म दिया है, और आप देखें आज भी भारत के अंदर अगर इलेक्शन जीता जाता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के जीता जाता है, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगता एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे इसके पीछे सियासी और माशी मफादात हैं दुनिया के भी और भारत के भी, और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आज इन्होंने इसको इग्नोर किया तो उसके नतायज बड़े भयानक साबित होंगे। उसकी वजह ये कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों इंपॉर्टेंट नेशंस हैं साउथ एशिया की, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो एक सिचुएशन ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रही है, दोनों का किरदार इंतहाई अहम है। और अगर अब ये यहाँ पे अमन नहीं रहता और इस किस्म की ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी जिसके कोई एविडेंसेस कोई शवाद नहीं है, तो उस सूरत के अंदर मेरा ख्याल है दुनिया वाले भी अमन से नहीं रह पाएंगे।
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हसन, माहिर बैन अकवामी उमूर, आप हमारे साथ रहे और अपने तज्जिये से हमें आगाह कर रहे थे। नासिर, हुकूमती इकदाम की बदौलत डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी आई है, माशी इस्तेहकाम और महंगाई में कमी के लिए भी काविशें जारी हैं। मजीद तफसील हमें बताएंगे राहील अंसार। वजारत खजाना के इक्तसादी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में अच्छी मुआशी कारकर्दगी मतवक्को है। सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा मोईशत अब संभलने लगी है। जरूरी अशिया की बरवक्त दरामद और दीगर हकूमती इकदामात से कीमतों में इस्तेहकाम आया है। अदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में बरामदात 5.5% इजाफे के साथ 7 अरब 60 करोड़ डॉलर रही। इस दौरान टैक्स रेवेन्यू में 17% जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 47.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा जुलाई 2022 में 1.2% की बुलंद सतह पर था, जो सितंबर 2022 में कम होकर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर रह गया है। मुस्तहकम होती मोईशत की बदौलत हकूमत आइंदा माह के पहले हफ्ते में 1 अरब डॉलर के स्कूक बॉन्ड्स की मद में बरवक्त अदायगी के लिए पुरअज़्म है। जो स्कूक जिसको कहते हैं वो इशू किया हुआ है 1 अरब डॉलर का, इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की तखीर नहीं है और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले एक साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट सितंबर के महीने में ये कोई 316 मिलियन डॉलर पे आ चुका है, अक्टूबर में भी करीबन ये 400 मिलियन डॉलर से कम एक्सपेक्टेड है। रवा साल ज़रई शोबे की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों के लिए 1800 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तारीखी कौमी ज़रई पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत 5 साल तक इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टरों की दरामद, 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जे, खाद की बोरी पर 2500 रुपए रायत जैसे इकदाम उठाए गए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक 3 माह में महंगाई की औसत शरह 25.1% रही, जो सितंबर में कम होकर 23.2% रह गई है। PSDP के तहत जारी मंसूबों के लिए 38 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जुलाई से सितंबर के 3 माह में ज़रई कर्जों की फराहमी में 31.5% इजाफा हुआ है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पजीर ममालिक के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें रंग ले आई, लॉस एंड डैमेज फंड कायम कर दिया गया। पाकिस्तान इस हवाले से कायदाना किरदार अदा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ एक पेज पर थे और वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली इस फंड को पास कराने में पेश रहे। क्या प्रोसेस रहा? COP27 में पाकिस्तान ने तरक्की पजीर ममालिक का मुकदमा कैसे पेश किया? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे और अब इसके अगराज व मकासिद क्या हैं? इस पर वकार हैदर ने एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए देखते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो 14 साल से नहीं हो पा रहा था। तरक्की याफ्ता ममालिक को एक पेज पर इकट्ठा किया, फिर उन्हें बावर कराया कि तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तबाही का शिकार हैं और उनकी तलाफी की जाए। COP27 में ये बात मनवाने के लिए मुजाकरात में 2 दिन मजीद लगाए गए। आखिरकार लॉस एंड डैमेज फंड कायम कर दिया गया। SDPI के पॉलिसी डायरेक्टर कहते हैं COP27 में पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशों को देखा और पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लॉस एंड डैमेज अभी तक इन 14 सालों में एजेंडे का हिस्सा नहीं बना था। वो पाकिस्तान ने जो एफर्ट की, UN के सेक्रेटरी जनरल इधर आए, उनको बताया पाकिस्तान इस वक्त फ्लड के बाद क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान G77 का चेयरमैन भी है और वहाँ पर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर वज़ीर ख़ारजा ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद, बहुत सारे जो जितने की लीडर आए हुए थे उनसे मुलाकात की, उनको कहा कि हमें ये फ़ंड कायम करना चाहिए और फिर पाकिस्तान के एफर्ट से ही पहली दफ़ा एजेंडा कमेटी में पाकिस्तान को डाला गया और बिलाखिर लॉस एंड डैमेज उस बहस का हिस्सा बना जो पहले एजेंडे का हिस्सा नहीं था कभी। पाकिस्तान ने G77 के चेयरमैन होने के नाते भी अहम किरदार अदा किया और दीगर ममालिक को बताया कि ये मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। फंड तो कायम हो गया है लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करके मौसमियाती तब्दीली के शिकार ममालिक के नुकसान की तलाफी करें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत पंजाब में शुगर मिल्स को गन्ने की क्रशिंग शुरू कराने में नाकामी की वजह से पंजाब भर में अब गंदम की काश्त में तखीर होना शुरू हो गई है, जिससे
काश्तकारों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। और महकमा ज़राअत ने गंदम की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को 30 नवंबर से पहले काश्त मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। मजीद क्या तफसील है जानते हैं इशफाक अहमद से उनकी इस रिपोर्ट में। जिला रहिंगरखान में इस साल 4,65,000 रकबे पर गन्ने की फसल काश्त की गई है, जो कि पिछले साल की निस्बत 10% कम है। ज़िला रहिंगरखान में 5 शुगर मिले हैं, जिनकी मजमू तौर पर 12,000 मेट्रिक टन योमिया गन्ना बेलने की सलाहियत है, लेकिन शुगर मिलों की तरफ से क्रिशिंग सीज़न शुरू ना होने से गन्ने की कटाई नहीं हो रही, जिससे गंदम की बवाई में तखीर हो रही है। गन्ने की फसल इस इलाके की अहम फसल है। शुगर मिल मालका ने अभी तक के शुगर मिले नहीं चलाई, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। गंदम की बवाई का वक्त निकलता जा रहा है। इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने बेलने लगा लिए और गुड़ और शक्कर बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। लेट थी मैंने वजह ना असें बहु परेशान से बेलना चलाया से कणक बहु लेट थी नहीं पैंती है। इन फसल का टाइम जरा तय थी ना पे कणक नहीं रहा सकते तो वाले में समझ असरे वास्ते कुछ ही को नहीं। शुगर मिलों की तरफ से क्रिशिंग सीजन में तखीर पर किसानों ने गंदम की बवाई के लिए ज़मीन खाली करने के लिए बेलना लगाकर गुड़ और शक्कर बनाना शुरू कर लिया है। गन्ने की फसल की कटाई से खाली होने वाली ज़मीन पर मरहलावार गंदम की काश्त की जा रही है। महकमा ज़राअत ने किसानों को 30 नवंबर से पहले गंदम की काश्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। गन्ने की फसल जो है वो बिल्कुल एक माह से तैयार खड़ी है और किसान मुंतजर है कि किस वक्त शुगर मिलें चलें। इस लेट करने से आप ये देखेंगे गंदम की काश्त मुतासर हो रही है। आधे से ज़्यादा जो मौसम है वो गुजर चुका है काश्त का, तो इसके अंदर फिल फॉर मिलें चलनी चाहिए, किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए। शुगर मिल हजरात ने इस वक्त इस टाइम तक शुगर मिलें नहीं चलाई, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मसाइल हैं। अक्टूबर के महीने में क्रिशिंग सीज़न का आगाज़ ना होने की वजह से रहिंगरखान समेत सूबे भर में इस साल गंदम की बवाई शदीद मुतासर होने का खदशा है। गन्ने के काश्तकारों को फसल को अजाफी पानी भी लगाना पड़ रहा है, जिससे इनकी पैदावारी अखराजात बढ़ रहे हैं और ज़मीन देर से खाली होने की वजह से अगली फसल की काश्त वक्त पर नहीं हो रही, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारट कहते हैं कि पीटीआई ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। इस बार किसी को हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अताउल तारट ने कहा कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है, फरागोगी के जरिए घड़ी बेची गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी जमात मुल्क में इंतशार और नफरत की सियासत को फरोग दे रहे हैं। इनके पास नंबर्स नहीं हैं, लोग उनके पास मौजूद नहीं हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, इसीलिए वो कान में आगे कोई कहता है टांग ना हिलाओ, टांग लदा हिला रहे हो, जिसमें 6 गोलियां और खोलियां जो बच्चे दे रही हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, और वो जो मेकअप करके तस्वीर जारी की गई है, यानी कोई टांग जिसमें गोली लगे यूं यूं हिलती है, वो कैमरा मैन आगे कह रहा है जी लात ना हिलाया जाए। ये हालात हैं इनके ड्रामेबाजी के। ये चोर भी हैं, नौसरबाज भी हैं, फनकार भी हैं और बद किरदार भी है। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को रूल्स के खिलाफ बेचा गया और बाद में उसकी कीमत का बिल्कुल इतना सा परसेंटेज 2% भी नहीं है जो तोशाखाना में जमा कराया गया है। तो देखें ये तो अब इमरान खान साहब को सफाई इसकी देनी होगी और मुझे लगता है कि शायद उनको जेल भी जाना पड़ सकता है इस केस के अंदर। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौमी मामलात पर फैसले किसी की मर्जी से नहीं बल्कि आयन और कानून के मुताबिक होंगे। इमरान खान ने सियासत में गालम गलोज का कल्चर मुतारिफ कराया। सखर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आयन के मुताबिक वजीर आजम ने अगले आर्मी चीफ की तैनाती करनी है। इमरान खान लॉन्ग मार्च से मुल्की क्यादत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, चैलेंजेस से निमटने के लिए मिल बैठने की जरूरत है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करता है। इमरान खान ने मजहब और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान इदारों को गैर कानूनी काम करने का कह रहा है और इमरान खान आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अदालत को इमरान खान के गैर आइनी बयान का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। फिर इसने कहा कि जी इदारे मेरी हुकूमत गिराने के पीछे थे। परसों के दिन अगर आप पीछे ना भी थे
तो कम से कम लोगों को रोक तो सकते थे। भाई किस कानून के तहत तुम कह रहे हो, जब आप असेंबली के रुकन बनते हो, वफाकी वजीर बनते हो, सूबाई वजीर बनते हो, वजीर आजम बनते हो, तो आप एक ओथ उठाते हो, उस ओथ में आप कहते हो कि जी मैं आईन और कानून की पासदारी करूंगा। आपने किस कानून के तहत ये परसों जुमला कहा कि आप उनको रोक तो सकते थे? एक इलेक्टेड असेंबली मौजूद है, वहां पे मेजॉरिटी इस वक्त कुछ पार्टियों के पास हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर किसी को भी वजीर आजम बना दें वो उनका आईनी हक है। आप किस तरह इदारों को कह रहे हो कि आप उनको रोक तो सकते थे? नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पीटीआई के नाम नहाद लॉन्ग मार्च की, और इस लॉन्ग मार्च के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। जीटी रोड पर जगह जगह एहतजाजी मार्च की वजह से कारोबारी तबके और मुसाफिरों को आम दरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से पीटीआई के इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की जा रही है। इमरान खान को चाहिए कि मफाहमत की तरफ जो है वो सियासत को लेके आए, ना कि इंतकामी सियासत करें, जिसकी वजह से आम आवाम को जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये महंगाई की वजह से जो है आम आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। खान साहब जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, रियासत मदीना ये तो नहीं कि आप गरीब को दो वक्त की रोटी के लिए तरसा दें, और इनके लिए पूरी मुल्क को कौम जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इसके आगे जो हाथ जोड़ के कहती है खुदारा खान साहब इस धरने की सियासत से बाज आ जाए। ताजा बरादरी की जो ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सामान लेने वाली है वो भी बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। हम चाहते हैं कि ये धरना जो सियासत हो रही है मुल्क में इसका खात्मा होना चाहिए। आए रोज कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना रैली और फड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। इस वजह से लोग बेचारे ताजा जो है ना वो भूख समझ लेंगे उनके घरों में आ गई हुई है, किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे। और जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टेलीविजन का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद एक ताकतवर मालूमाती और तफरीही जरिए को खराज तहसीन पेश करना है। टेलीविजन का तस्वुर 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवायल में बहुत से लोगों का काम था। रेडियो सिस्टम पर मुतहरिक तस्वीर की पहली अमली ट्रांसमिशन में मकैनिकल घूमने वाले सुराखशुदा डिस्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी मंजर को वक्त के मुख्तलिफ सिग्नल में स्कैन किया जा सके, जिसे रिसीवर पर दोबारा असल इमेज करके एक अंदाजे के मुताबिक बनाया जा सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद टेलीविजन की तशरिया तेजी से फैली, इश्तहारात, प्रोपेगेंडा और तफरी का एक अहम जरिया बन गया। रेडियो से खबरें सुनने और तफरी प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होने वालों के लिए अपने तखयल को तस्वीरी शक्ल में देखना एक दिलचस्प मरहला था। गुज़श्ता सालों में टेलीविजन और इसके प्रोग्रामों ने तकनीकी एतबार से बहुत तरक्की की। अब करोड़ों मील के फासले पर होने वाली कोई भी सरगर्मी सेकेंड्स में हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होती है। पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज 1964 में हुआ। लाहौर में कारजी के आमकाज से शुरू होने वाले पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने सफर में कई अहम संगे बील उबूर किए। ड्रामा हो या मौसीकी के प्रोग्राम, खबरें हों या हालात हाजरा, और आज कौमी नशरियाती इदारे के तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन की एक अलग पहचान है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में टेलीविजन का दिन मनाया जा रहा है और गालिबन 5 दिन बाद नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन की भी सालगिरह है, पाकिस्तान टेलीविजन की भी एनिवर्सरी होगी, और हम आपके लिए खुसूसी नशरियात भी लेकर आएंगे। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, जब टीवी का जिक्र आता है, पाकिस्तान टेलीविजन का जिक्र आता है, तो आप साबिक डायरेक्टर तो हैं, आपका एक ओहदा तो है, एक तारुफ तो है, लेकिन ख्वाजा नजमुल हसन साहब का नाम सुनते ही, टेलीविजन और टेलीविजन का नाम सुनते ही जहन में आने वाली बहुत सारी शख्सियात में से एक शख्सियत ख्वाजा नजमुल हसन साहब की। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज तो बहुत बड़ी फोर्स बन चुका है, बहुत बड़ा एक जिसे रियासत का चौथे पिलर की हैसियत में एक अहम किरदार है टेलीविजन का भी। जी आज तो वर्ल्ड टेलीविजन डे है, आपको मुबारक भी हो, क्योंकि ये जो है यूनाइटेड नेशंस में ये डिक्लेयर हुआ था 1996 में उनकी जनरल असेंबली में, और आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है टेलीविजन का, जो हमें नहीं पता। इनफैक्ट हमें उस वक्त पता था, देखिए जो हम अब आप बात करें ना कि ये सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इट एजुकेट्स, इनफॉर्म्स, एंटरटेन्स, इन्फ्लुएंसेस आवर डिसीजंस एंड ओपिनियंस। आपको याद होगा 1974 में असलम अजहर साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन का जो लोगो, जो फिलोसफी बनाई थी, दैट वॉज पी टी वी स्टैंड फॉर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये तीन चीजें थी जिसको पता नहीं वक्त के जरिए
चेंज होती गई, विच आई डोंट बिलीव, बिकॉज ये तीन ही चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अच्छा काजी साहब, टीवी हर घर के घर का हिस्सा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की आमद आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में जो टीवी की अहमियत है वो इसी तरह बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी, अगर वो 1996 से ये बरकरार है, जो कि पूरा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये चीजें इसके थ्रू हम कन्विंस कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते, एजुकेट कर सकते हैं, मेरा तो ख्याल है कि टेलीविजन ही रहेगा और बाकी और कुछ नहीं रहेगा। खौरा साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन कम्युनिस्टियाती इदारा है और आपसे आपकी इससे वाबस्तगी तवील है, और ये दो तरफा रिश्ता है, ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, आप टीवी से वाबस्ता होते हैं, टीवी आपके अंदर रच बस जाता है, तो आप क्या समझते हैं पीटीवी ने मुआशरे की तरबियत में, आगाही फैलाने में अपनी जिम्मेदारियां कितनी खूबी से सर अंजाम दी हैं? देखिए जी, हमने कई जगह गलतियां बहुत ज्यादा की हैं। देखिए, मैं, शुएब मंसूर, सायरा काजमी, शीरी पाशा, हम सारे लाइक माइंडेड प्रोड्यूसर्स इकट्ठे अपनी मर्जी से आए थे, हमें किसी की सिफारिश की जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हमने वी एक्सेल्ड इन आवर प्रोफेशन। हमने यहाँ टेलीविजन में आके भी हमने वही किया जो हम चाहते थे। अब आप देख लीजिए, मैंने 6 नाम लिए, अगर इस तरह के 6 और प्रोड्यूसर्स टेलीविजन में हो जाएं तो मेरे ख्याल है हम इसका तब्दील कर सकते हैं। इवन 4 लाइक माइंडेड पीपल कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन, विच आई बिलीव स्ट्रांगली। इस वक्त नहीं मिल रहे हमें, 4 भी नहीं। आपको मुझे नाम बताइए कि जी ये 6 नाम जो अभी मैंने आपको 6 बता दिए हैं और अभी वो जिंदा हैं सारे के सारे, दे आर ऑल वर्किंग ऑन डिफरेंट। शीरिन पाशा भी काम कर रही है, शुएब मंसूर इज मेकिंग अ मूवी, वी कुड हैव आस्क्ड देम टू कम बैक। बल्कि मुझे कहा गया था कि टेलीविजन में मुझे शर्मीन उबैद मिली थी अभी, तो उसने कहा वाई डोंट यू अकेडमी आपके पास है ख्वाजा नजम, वहां पे चलो मैं आ जाऊंगी, आई कैन ट्रेन आपके जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स डू वर्कशॉप्स, वाई कांट वी डू वर्कशॉप्स। आपका देखिए, आपका जो जहनी वो है ना इमेज, और वो बहुत बढ़ जाता है। मैं अगर आपसे, मैं पता नहीं 6 चीजें आपसे सीखता हूँ ऑनेस्टली, आपकी गुफ्तगू आपने जो कर रहे हैं उनसे आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अभी बैठे बैठे। बिल्कुल ठीक। अच्छा खाजा साहब, हम खुद आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं, हम ये देखते हैं कि डिफरेंट मीडियम्स है, जिस तरह पहले भी मैंने आपके सामने ये सवाल रखा, जैसे सोशल मीडिया है जिसमें लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आप तो टेलीफोन है जिसमें आप समझते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, देखना शुरू कर देते हैं, टेलीविजन को मजीद आप समझते हैं कि इसको, इसमें मजीद निखार पैदा करने की ज़रूरत है, इसको जदीद खतूत पर लेके जाने की ज़रूरत है ताकि ऑडियंस को ज़्यादातर अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके, या जिस पेस पे वो चल रहा है वही ठीक है, वही उसका तर्ज़ अमल दुरुस्त है? सही नहीं है, इसको हमें आगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना होता है। अब आप देखिए ना, 80s में जब टेलीविजन था उसका, जब हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, इंडिया के में जाके हमारे स्टॉल्स लगते थे, लोग आते थे हमारे प्रोग्राम लेने के लिए, मैं इसका वो नहीं कह रहा, जितने बल्कि इंडिया जाए तो लता जी कहती थी आपके कितने अच्छा म्यूजिक है, मैडम नूर जहां गा रही, मेरा मतलब है कि वर्ल्ड में वी वर बीइंग टॉक्ड। और हमारी डॉक्यूमेंट्री आप देखिए, हमारे प्लेज आप देख लीजिए जो सायरा ने किए हुए, अनकही, तन्हाइयां, परछाइयां वगैरह, दे वर ऑल अच्छा। एक तो अडेप्टेशन थी, चले मैं मानता हूँ कि उन्होंने विल्की कॉलिंस का उसका उठाया, असलम साहब का ये ट्रेंड था कि वो पुरानी अडेप्टेशन नॉवेल्स पे किया जाता था, फिर उसके बाद अशफाक साहब और वापसी आए। अब देखिए, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज, औरत खवातीन का जो रोल था बानो आपा ने इतनी अच्छी तरीके से चेंज किया, सो इज हसीना मोइन, ये सारे देखिए एक अल्लाह ताला का एक वो है कि सारे इकट्ठे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, 6-8 लोग, ये 70s की बात थी जहां सारे वो लोग इकट्ठे हो गए, बीच में एक लंबा गैप आ गया। ट्रेनिंग अकेडमी शुड बी यूज्ड, वी शुड हैव वर्कशॉप्स, वी शुड कॉल शर्मीन, वी शुड कॉल शीरी, वी शुड कॉल पीपल और आपस में इंटरेक्शन करें, लेट्स हैव पूल इन अपना आइडियाज और वहां से बना के फिर मुख्तलिफ सेंटर्स को दिए जाए कि ये देखें चीजें ये हमारे जहन में, लेट्स ट्राई टू मेक दम इन टू वीडियोस एंड प्लेस। ये कोई मुश्किल काम नहीं, हम करते रहे, मैंने 10 साल मैंने और शुएब मंसूर ने, हम अकेडमी में थे, हमने यही करते रहे। देखिए, तानसेन ड्रामा मैंने अकेडमी में रह के स्टूडेंट्स के साथ बनाया है, शुएब मंसूर ने दिल दिल पाकिस्तान स्टूडेंट्स के साथ वहां पे किया था अगर आपको याद होगा 89 में, तो वी रियली वर्क्ड अभी भी, और हमने कभी पैसे ज्यादा मांगे ही नहीं। जो फीस स्ट्रक्चर होता है वी फॉलो दैट ब्लडी ब्लैक बुक, मैं अभी तक उसी को फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज माई 48th ईयर, आई एम डूइंग अ प्रोग्राम ट्रेवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान बेसिकली, ये जो अभी रिलीज होने वाली, इट्स अ जर्नी थ्रू म्यूजिक नोट्स कनेक्टिंग आर प्रोविंसेस थ्रू कल्चर, हिस्ट्री, फोक म्यूजिक, राइट
फ्रॉम हुंजा अप टिल गवादरन पसनी, सीधा सीधा सिल्क रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। कैसे म्यूजिक जो है हमारा नोट्स कैसे चेंज होते हैं, म्यूजिक ऑफ द माउंटेन्स क्या होता है, डेजर्ट का म्यूजिक कैसे, यू सी हमारी जो आपस में इंटरेक्शन है बिटवीन सूबास, दैट इज कितना बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज कैसे होता है, डेजर्ट से लेके माउंटेन्स में म्यूजिक कैसे चेंज हो रहा है। फोक हमारा, मुझे तो जो करना है मैं तो वही करूंगा ना, विच आई रियली अप्रिशिएट, जो आगे बढ़ के लोग देखें और उनको अप्रिशिएट करें, हर तरह के आदमी में वो। ख्वाजा साहब कतकलाम की माजत, अभी जो हम देख रहे हैं डायमेंशंस चेंज हो गई हैं, एक वक्त था पीटीवी पर जैसे आप अभी बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज, तालीम, प्लेज, खेल, खबरें, तिजारत, सब हम पीटीवी की स्क्रीन पर देखा करते थे, बहुत कुछ सीखते थे। अब जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ है, पीटीवी की बहुत सारी ब्रांचेज भी नज़र आती हैं, न सिर्फ सेटेलाइट पर, केबल पर, बल्कि हमें इंटरनेट पर भी पीटीवी होम से लेकर पीटीवी न्यूज़, ग्लोबल, स्पोर्ट्स, अलग तमाम चैनल्स हो रहे हैं, और अब बहुत जल्द बच्चों के लिए भी पीटीवी अपना चैनल लॉन्च करने जा रहा है। तो ख्वाजा साहब, ये सारी डायमेंशंस के आने के बाद हमारे पास जो स्किल्ड प्रोड्यूसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आपसे सीखा और अभी पीटीवी में सर्विसेज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो अब डायमेंशंस के लिए फोकस करना ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए बात सुने, आपको एक रोल मॉडल होता है, हमारे जमाने में असलम अजहर या आगा नासिर या जमान अली खान, देवर अबाउट 10 पीपल दे, अच्छा वो हमें रोल, देवर आर रोल मॉडल, वो हर एक होती थी, हर दो महीने के बाद जल हमारी मीटिंग होती, प्रोग्राम्स का एक होता था, अच्छा पायलट्स बन के जाते थे, उनको अप्रूव किया जाता था, जो बैठे रहते हमारे जितने बड़े बड़े डायरेक्टर जिनके मैंने नाम लिए वो उनको उनको या अप्रूव करते थे या कहते थे इसको दोबारा से बना के लाइए। सेंटर्स पे जीएम्स बड़े स्ट्रांग होते थे यार हमारे, अब वहां पे अब देखिए असलम अजहर साहब खुद भी जीएम रहे हैं, आगा नासिर जीएम रहे हैं, लाहौर सेंटर पे रहे, मैं खुद रहा हूँ जीएम, मैं खुद डायरेक्टर प्रोग्राम रहा हूँ, हमने उनसे सीखा, हमने उनकी जो थी ना आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पे आपको इसका कोई नजर नहीं आ रहा, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या बनाए, रोल मॉडल्स नहीं है ना आपके पास, आप बताइए असलम अजहर जैसा कोई है, आगा नासिर जैसा कोई बंदा है जो उनको बताए कि आपने ये करना है ये नहीं करना और खुद करके दिखाए। उसी वो तो यही कहेगा ना, अगर मुझे काम नहीं आता मैं कहूंगी जी जरा मुझे करके दिखाएंगे आप, यही होता है ना, हमने तो ऐसे सीखा है असलम अजहर वगैरह से, ट्रेनिंग ली है बाहर से, मुझे तो दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में भेजा गया ट्रेनिंग उसके लिए, तो वो तो मुझे फायदा हुआ उसका, बिकॉज उस वक्त तो लोग जाते नहीं थे, जब मैंने आई प्रेफर टू गो अब्रॉड फॉर 2 ईयर्स मैंने कितनी जा गए, उससे मेरा कॉन्सेप्ट इतना बदला है, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी चेंज माई लाइफ ऑल टूगेदर, ऑफ टेलीविजन का जो पर्सपेक्टिव था ना मेरा वो चेंज हो गया। ख्वाजा साहब आपसे एक छोटा सा सवाल, के आपने इतने बड़े बड़े असाज़ा का नाम लिया है, आप रोल मॉडल्स का नाम लिया है, तो आप पीटीवी से इतना सा वाबस्ता है, अभी तक भी आप टीवी से वाबस्ता हैं, 48 साल हो गए हैं, कोई एक ऐसा शानदार स्टूडेंट जिस पर आपको फख्र हो, जिसने आपका नाम रोशन किया हो? हाय अच्छा जी, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, अच्छे तो हो सकते हैं मगर यू सी वो भी दे आर जस्ट रोमिंग इन द डार्कनेस, उनको भी लाइट चाहिए, दे नीड टू गो इनटू, मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा रोल मॉडल हो जिसको वो हाथ पकड़ के, देखिए दुनिया हम हर मरहले में वी नीड समबडीज गाइडेंस, यू सी हर आदमी परफेक्ट होता नहीं है, अब जैसा अशफाक साहब लिख के भेजते होते थे तो सायरा उनको आगे से कहती सर इसको अगर यूं कर ले, हालांकि सायरा वॉज न्यू सायरा का आदमी, हालांकि कहाँ अशफाक साहब, मगर सजेशंस वो कहती सर ये सीन जरा लंबा हो गया, इसको छोटा ना, इन कैरेक्टराइजेशन में इसको यूं ना कर लें, ये बहुत ज्यादा बेंट हो रहा है टुवर्ड्स अदर जो भी है उसके डायमेंशन, तो ये चीजें देखिए बैठ के आपस में अगर, मगर आपको कैसे आती हैं ये चीजें, पढ़ने से आती हैं, देखने से आती हैं, वर्ल्ड देखिए मैं शुएब और सायरा और राना हम बैठ के वर्ल्ड सिनेमा देखा करते थे और स्टूडेंट्स को भी दिखाया पूरी दुनिया का जो क्या सिनेमा बन रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अब आप देखिए इटालियन सिनेमा, रशियन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, ये सारे जितने सिनेमाज हैं वर्ल्ड सिनेमा के उनसे अवेयरनेस आई, हमारा जो इमेज था ना दुनिया को देखने का वो वहां से चेंज हुआ था कि दुनिया में क्या हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया खौरा साहब, आप मौजूद रहे हमारे साथ, आपने टेलीफोन पर वक्त दिया। टेलीविज़न का आज आलमी दिन है, पाकिस्तान टेलीविज़न का आप हिस्सा भी रहे हैं और अभी तक हम भी जब मौका मिलता है कोई इस तरह का इवेंट ढूंढ लेते हैं, आपसे रब्ता करते हैं और आपकी बातों से हम बहुत कुछ हम जो है वो सीखते हैं और माजी के झलकों से हमें नाजिक बहुत कुछ नज़र आता है कि क्या कुछ पीटीवी ने अचीव किया और ये तब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बिल्कुल जी, चलिए जी प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तुरशावा फलों की पैदावार के अतबार से दुनिया में एक खास मकाम रखता है और पाकिस्तानी तुरशावा फलों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्ला। सुबह पंजाब में तुरशावा फल 4 लाख एकड़ से जायद रकबे पर लगाए गए हैं। सिट्रस की 95% पैदावार भी पंजाब में होती है। पाकिस्तान में सीडलेस माल्टे, ग्रेप फ्रूट और किन्नू की इकसाम के मुतारिफ हो जाने के बाद तुरशावा फलों की अहमियत और भी बढ़ गई है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक फलों की स्टोरेज, ग्रेडिंग और शाख से तोड़ने के मुतालिक बागबानों को आगाही न होने की वजह से फलों की पैदावार मुतासिर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% जो हमारा फ्रूट है वो ज़ाय हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की नज़र हो जाता है और हमारा आलमी मंडियों में वो रसाई नहीं हो पाती है। तो आपने जो पिकिंग करनी है वो प्रॉपर पिकिंग करनी है, उसको गिराना नहीं है, हिलाना नहीं है, जैसे फ्रूट को नीचे गिरा देते हैं। काश्तकार को चाहिए कि वो फल को प्रॉपर तरीके से काट के हार्वेस्ट करके अच्छे से क्रेट के अंदर उनकी ग्रेडिंग करके उनकी पैकिंग करे और उनको मार्केट के अंदर लेके आए। इससे ये है कि एक तो फल को नुकसान कम होगा, उसकी पैदावार बेहतर होगी और क्वालिटी फल की वो बेहतर होगी। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक ज्यादा ज़र मुबादला हासिल करने के लिए बाग मालकान को चाहिए कि वो अपने ब्रांड की मार्केटिंग करके इसे आलमी मंडी में मुतारिफ करवाएं। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और नाज़रीन एक और फल का जिक्र करेंगे, सेहत बख्श फल है और आजकल बाजार में दस्तयाब भी है, ये है सिंघाड़ा। बिल्कुल जी, शक्ल और जायके की अगर बात करें तो उस लिहाज से मुनफरिद है और इस फल के बेशुमार तिब्बी फवायद भी हैं। मुल्तान से जफरुल्ला खान ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तालाब में बेल की जड़ से उगने वाला फल सिंघाड़ा तकोनी शक्ल और नहायत मुनफरिद जायके का हामिल है। इसका मगज सफेद रंग का होता है और इसे आमतौर पर उबाल कर खाया जाता है। जनूबी एशिया में इसके सफूफ को अद्वियात और खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बी, पोटाशियम और कॉपर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। छपना च पैदा होता है और साफ सुथरा माहौल होता है। औरतां, बच्चे, मर्द इन पटते ने, 3 से 4 फुट पानी होता है जिंदे बीच बढ़ के पटते ने। ये सिंघाड़ा हम लेके जा रहे हैं, उबाल के पका के बेचते हैं। ये सिंघाड़े में पोटाशियम की वाफर मिकदार ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए मुआवन है। कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर का हामल फल खाने से देर तक भूख नहीं लगती, इसी बिना पर ये वजन कम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके फवायद जो हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये दवा तो है ही लेकिन बतौर गिजा इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए इसको जितनी भी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए कोई हर्ज नहीं। मैग्नीशियम की मिकदार इसमें खासी होती है, पोटाशियम भी बहुत होता है, जिसकी वजह से ये दिल और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर में इसके फवायद हासिल किए जा सकते हैं बतौर गिजा के। तिब्बी माहरीन का कहना है कि सिंघाड़े का इस्तेमाल थकावट दूर करने के साथ साथ जिस्म में खून की रवानी बेहतर बनाता है। सिंघाड़े के मगज का सफूफ खांसी की तकलीफ को भी खत्म करता है। सिंघाड़े गजाइय से भरपूर कमजोर और लागर अफराद के लिए नहायत मुफीद गजा है। जफरुल्ला खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। जी, इसके साथ ही न्यूज शो X6 से फिर वक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।